बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी का प्रकाश श्री गुरु हर राय साहब जी और माता कृष्ण कौर जी के ग्रह विखे सावण बदी नौवीं 1713 बिक्रमी संमत भाव 14 जुलाई 1656 ईस्वी नूं कीरतपुर साहब विखे हुंदा है। गुरु महाराज जिस समय प्रगट होए भारतवर्ष विच उस समय हकूमत औरंगजेब दी सी जो इस्लाम जगत नूं प्रफुल्लत करन दे लई हिंदू वीरां नूं तसीहे दे के जुल्मों सतम ढा के लालच दे के कलमा पढ़ाउंदा सी। काजियां ने मुल्ला ने इहदे कन्न गुरु घर दे खिलाफ़ भी भरे। गुरु नानक दा घर कहिंदे बड़ा अजमती है, हिंदू की मुसलमान की उस घर अंदर सजदा करदे ने, सिर झुकाउंदे ने। आए औरंगजेब, अगर गुरु नानक दा घर कलमा पढ़ लवे, इस्लाम कबूल कर लवे, लखां ही हिंदू सिख उन्हां दे पिछे कलमा पढ़ लैणगे और इस्लाम प्रफुल्लत होवेगा। सो कन्ना दा कच्चा औरंगजेब, इसने गुरु हर राय साहिब जी नूं सुनेहा भेजिया है कि दिल्ली आके दर्शन दिओ। और गुरु महाराज ने यह वचन कहा सी, नह मलेश को दर्शन दै है, ते पाप कमाउंदा है, जुल्मो सतम हटाउंदा है, इस पापी दे मथे नहीं लगना। फिर रह कीती गई, विचार कीती गई कि गुरु घर वल्लों गुरु महाराज गुरु हर राय साहिब दे वड्डे लखते जिगर बाबा राम राय जी जो माता राम कौर दी जी कुख चों पैदा होए सन, तिन्ना नूं बख्शिशां दे के पातशाह ने औरंगजेब दे नाल सवाल जवाब करन लई भेजिया। बेअंत करामातां औरंगजेब दे कहण ते बाबा राम राय जी ने दिखाईयां और उत्थे एक महान अजमत विखाई गई। जमुना दे पानी उपर चल के राम राय जी ने विखाया। इहदे ते अजकल बड़े तर्क करदे ने, पर तुसीं अज भी देखो, यूट्यूब ते सर्च करके देखो, मजीशियन वॉकिंग ऑन द वॉटर इदां कुछ टाइप करके वेखोगे, कई जादूगर सामने आउणगे जो पानी ते चल पैंदे ने। बाणी दा भी फुरमान है, अष्ट सिद्ध नवनिद एह कर्म प्राप्त जिस नाम देहे, ए रिद्धियां सिद्धियां दा एट मिराकुलस स्पिरिचुअल पावर्स एंड नाइन ट्रेयर्स आर कंटेन्ड इन द नाम दैट नेम ऑफ द लॉर्ड। रब दे नाम विच रिद्धियां सिद्धियां करामातां आ जांदियां ने। सो औरंगजेब बड़ा प्रभावित होया करामातां वेख के, बड़ियां जगीरां दित्तियां, माया दित्ती, प्रेम कीता बाबा राम राय जी दे नाल। जदों औरंगजेब दे दरबार विच गुरु क्यां दी वड्याई वेखी, कारी मुल्ला तिलमिला उठे। ईरखा विच आ के औरंगजेब नूं कहिंदे, जी इन्ना खुश ना होवो, इन्हां ते इन्हां दे धार्मिक ग्रंथ विच इस्लाम जगत दी तौहीन है। मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पई कुम्हार, कड़ भांडे इट्टा किया, जल्दी करे पुकार, इदां दे बोल लिखे हुए ने। ये दावा करते ने गुरु नानक का घर किसी धर्म नाल किसी वर्ण नाल विदकरा नहीं करता, किसी नूं बुरा भला नहीं कहता। ये फिर इस्लाम जगत बाबत ये क्यों कहा गया है? ये ध्यान दिओ इन्हां पंक्तियां वल। असल विच इस्लाम जगत की ये मनौत है भी ये ख्याल करते ने जिहड़ा शरीर मरन तो बाद साड़िया जाता है वह दोजक जाता है, तो जिहड़ा कबर विच पैंदा है उन्हूं निजात हासिल हुंदी है। गुरु साहब ने इन्हां पंक्तियां विच ये कहा सी भी जे किते मुसलमान कोई मर जावे ते कबर विच उहदा शरीर होवे, उस कबर दी मिट्टी कुम्हार दे वस पै जावे। हुण जदों चीकड़ी मिट्टी तों कुम्हार भांडे तैयार करेगा, उस मिट्टी तों भांडे घड़ेगा, उह जदों अग दे विच मिट्टी पाई जाएगी भांडिया बनाउण दे लई, उहदा एक आकार बनाउण दे लई, वो
चीकनी मिट्टी चो फिर पड़पड़ दी आवाज आउंदी है और इउं लगदा है जल्दी करे पुकार, जिवें पुकार पुकार के वो मिट्टी कह रही होवे भी मैनू छड़ा लवो। जल जल रोवै बपुड़ी चढ़ चढ़ पवै अंग्यार, उचों अंग्यार चढ़ चढ़ के पैंदे ने पड़पड़ दी आवाज आउंदी है। अखीर ते महाराज कहिंदे ने नानक जिन करतै कारण किया सो जाणै करतार। असल विच निजात जां दोजक इह किसनूं मिलेगा, ये करता जानदा है, ये कर्मां दे अनुसार है। जो चंगे करेगा निजात पावेगा, मंदे करेगा दोजक नरक विच पाया जावेगा। सो ये करता ही जानदा है जिसने ये फैसला करना है। ये नहीं भी किसी नूं साड़ दिओ ते नरकां नूं जांदा है, कबर विच दब दिओ ते स्वर्गां विच जांदा है। सो महाराज ने इत्थे एक सिक्ख्या दित्ती सी, होर इस्लाम धर्म के खिलाफ ये कुछ नहीं सी लिखिया, पर राम राय नूं मिलियां होईयां जगीरां, वो दिल्ली दरबार विच मिलिया सत्कार। उस माया दे अधीन राम राय दी मत ऐसी वजी, औरंगजेब दियां खुशियां ते मिल गईयां, पर खुद खुदा गुरु हर राय साहिब नूं नाराज कर बैठा। सिखां ने दस्या महाराज बाणी दी बेअदबी कीती है राम राय जी ने, कुछ अल्फाज बदल दते ने। महाराज ने वीर रस विच आके कहा सी, जिन पै अदबना बाणी धारा, सो सिख जानो नहीं हमारा। जेड़ा सिख बाणी दा अदब नहीं करदा वो साडा सिख नहीं है। राम राय नूं गुरु साहिब कहिंदे कह दिओ जिधर नूं मूँह है चलिया जावे, साडे पास वापस ना आवे। इस तरह श्री गुरु हर राय साहिब जी ने अपने छोटे लखते जिगर श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी नूं गुरता दा तख्त बख्शिया, मलकीयत बख्शी तख्त दी। कत्तक वधी 9/17/1718 बिक्रमी नूं, भाव 8/16/1661 ईस्वी नूं, केवल 5 साल की उम्र विच श्री गुरु हरकृष्ण जी गुरु नानक दे तख्त दे वारस बने। हुण इत्थे कई तर्क कर दिंदे भी इस उम्र विच ते बच्चे नूं समझ नहीं है, उहदी जिहड़ी विचार है वह कोई बहुती सियाणप वाली नहीं हुंदी। ध्यान दिओ, सिख जगत अंदर चौंकड़े नाल, इबादत नाल, शुभ गुणा नाल, शुभ विचार दे नाल बजुर्गी समझी गई है, ना कि तौलियां दे नाल। हुण देखो महाराज ने बाणी विच ये नहीं लिखिया भी कोई 90 साल का बजुर्ग है उस तो पुछो रब किवें मिलदा है, कहिंदे नहीं, ये 5 साल दे बच्चे नूं भी समझ हो सकदी है जे परमात्मा की कृपा होवे। राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव, प्रहलाद जपियो हर जैसे। हुण 5 वर्यां दे ध्रुव जी छोटी उमरे प्रहलाद जी नूं ज़्यादा समझ है रब किवें खुश करना, जिहड़ी 90-95 वरे की उम्र विच औरंगजेब नूं समझ नहीं लगी। भाई नंद लाल भी कहिंदे ने इस तों पहलां कि तौले आ जाण, बंदगी करके सियाणपां बजुर्गी शुभ गुण हासिल कर लै। वो महापुरश कहिंदे ने गर बजुर्गी बाए दत्त कुन बंदगी, वरना आखर मी कशी शर्मंदगी। बस बजुर्गी हस्त अंदर याद ऊ, याद ऊ कुन याद ऊ कुन याद ऊ। परमात्मा नू याद कर लै, ये ना होवे किते उहदे दरबार विच जाके शर्मिंदगी तेरे पल्ले पवे, उहदे गीत गाया कर। सो इत्थे गुरु घर अंदर अध्यात्मक दुनिया अंदर उम्र दी गल नहीं है, इत्थे तौलियां नाल बजुर्गी नहीं, बंदगी नाल बजुर्गी है। श्री गुरु हरकृष्ण महाराज अंदरली अडोलता, कोमलता अते हुकम विच चलण दी जो बरकत सी सतवें पातशाह नूं भाई, सब तो वड्डी बात गुरु घर अंदर प्रवानगी हुक्म मनण वाले नूं है। राम राय जी ने हुक्म नहीं मन्या, कुछ हासिल नहीं कर सके। इत्थे महाराज कहिंदे ने हुक्म मन्या होवै प्रवान तां खसमे का महल पाए सी। जेड़ा हुक्म मन्नदा है उसनू ही सब कुछ हासिल हुंदा है, हुक्म नालों वध के कुछ भी नहीं है गुरु घर विच। हुण समां आया, राम राय जी नू जदों पता चलिया भी गुरु हरकृष्ण साहिब नू तख्त मिल गया है, तिल मिला उठिया, जाके औरंगजेब दे कोल शिकायत करदे ने, मेथों मेरा हक खोलिया, मेरे पिता ने मेरी जगह ते 5 वरिया दे भाई नू तख्त ते बिठा दिता जिसनू कोई दुनिया की सूझ बूझ नहीं है।
उन्हों दिल्ली दरबार सदो, मैनू मेरा हक दवाओ। औरंगजेब बड़ा चालबाज सी, उन्हें सोचा भी गुरता गद्दी मेरे नाल सहमति रखने वाले राम राय नू मिले तो पंजाब विच सलाम दा होर बोलबाला हो सकता है। ये वड्डा ते मेरे कहने विच ही है, छोटे नू भी सद लैने हैं जे प्रेम नाल मन जावे, लालच नाल मन जावे ठीक है, नहीं तो डरा धमका के अधीन कर लवांगे। जे अधीनगी नहीं स्वीकार करता तो दोवां भरावां नू आपस विच डाह देवांगे, मर मुक जाणगे, सलाम दे प्रचार दा राह साफ हो जाएगा। और राम राय जी की यह व्यौंत सी भी जे गुरु हर राय साहब ये बचन करके गए ने नह मलेश को दर्शन दें हैं, तो इन्हां बचना की उलंघना अगर गुरता दा मालक गुरु हर कृष्ण करेगा, दिल्ली आके औरंगजेब नू मिलेगा तो मैं रौला पवा दवांगा भी पिता दे हुक्म की उलंघना की है, संगत मेरे पक्ष विच हो जाएगी। तो जे गुरु हर कृष्ण साहब कीरतपुर साहब तो दिल्ली ना आए तो औरंगजेब दे कन भरांगा भी ये बागी हो गए ने, इन्हां नू सद के सजा दिओ। सो ऐसी व्यौंत घड़ी गई। औरंगजेब जानता सी भी अपने पिता की न्याई गुरु हर राय साहब मेरे कहे अनुसार नहीं चलणगे, ना इत्थे आउणगे मेरे सद्या। गुरु घर का सेवक राजा जय सिंह उसनू आख्या गया भी अपने घर गुरु साहब नू आउण लई आखो, सद्दा भेजो, नाले मैनू दर्शन करवाओ। खैर राजा जय सिंह ने बेनती पत्र लिखिया, दिल्ली की संगत ने भी विनय पत्र लिखिया भी राम राय कई प्रकार दियां गोंदां गुंद के सिखां नू महाराज गुमराह करदा है, अपने नाल जोड़दा है, गुरु घर नालों तोड़दा है, तुसीं इहदे पखंड दा भांडा दिल्ली आके भन्नो दर्शन दिओ। अहलकार राजा जय सिंह दे सुनेहा लै के कीरतपुर साहिब पहुँचे ने, बेनती कीती है, पर महाराज ने एक गल कह दिती भी संगतां नू दर्शन देवांगे पर उस मलेश औरंगजेब नू दर्शन नहीं देने, सानू किसे दा भय नहीं। बाणी दा फुरमान है, सतगुर मेरा बेमोहताज, माई गुरु इज टोटली इंडिपेंडेंट, गुरु मेरा बेमोहताज है, किसे दे अगे दीन नहीं हुंदा, सिर नहीं चुकाउंदा, उहनू किसे दा डर नहीं। चल पईआं ने नाल संगतां, परिवार नाल चल पिया है, अंबाले दे इलाके विच पंजोखरे पिंड पहुँचे ने। एक बड़ा हंकारी ब्राह्मण लाल चंद सी, वो आके कहिंदा जी तुहाडी थोड़ी जी उम्र है, नाम तुसी श्री कृष्ण नालों भी वड्डा रखिया है, अगे हर लफ्ज़ लाया है, श्री हर कृष्ण अखवाउंदे हो, कृष्ण जी ने ते दुनिया नू उपदेश दिता, गीता उचारी है, चलो तुहाडी उम्र थोड़ी है, तुसी रबी गीत ते की उचारने ने उहदे अर्थ करके ही सुना दिओ। महाराज कहिंदे ब्राह्मण लाल चंद जी जे मैं अर्थ करके सुना दिते ते तुसी कहना है गुरु के लाल ने कोई चंगा उस्ताद रख के विद्या सिख लवी होएगी, जाओ कोई इस नगर दे विचों वेख परख के ले आओ, उही तुहाडे अगे बैठ के अर्थ करेगा, जिसनू आखोंगे उहदे कोल ही अर्थ करवा देवांगे। हंकारिया ब्राह्मण छज्जू झूर नू लै आया, मस्ताना दीवाना उसी, और इतिहास विच जिक्र है उहदे गलुए मुबारक विच ताकत नहीं सी, उह गुंगा सी, सोचिया भी इहदे कोलों महाराज किवें अर्थ करवाउणगे, सामने बिठा दिता। महाराज ने हाथ विच छोटी जी छड़ी फड़ी सी, बाला प्रीतम ने उहदे मस्तक ते छड़ी लाई ते आखण लगे ब्राह्मण लाल चंद जी हुण इहदे नाल विचार कर लवो। लाल चंद जिहड़ा भी सवाल करदा है उहदा जवाब छज्जू झूर दिंदा है, हक्का बक्का रह गया, उंगलां ते दंदियां वढदा है भी गुंगे दा गलुआ किवें चल पिया। वह तर्क करन वाले जरा बाणी नू ध्यान नाल पढ़, गुरु साहब कहिंदे ने गुरदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित करा, द गुरु द डिवाइन गुरु इज द क्रिएटर, गुरु करता है, गुरु जो चाहे कर सकता है, गुरु कुल कायनात दा मालक है, पाप हरण वाला है, पापियां नू पवित्र करता है।
वो जो चाहे कर सकता है। इत्थों तक खल मूर्ख ते पंडित करबो पंडित ते मुगधारी, बड़े बड़े मूर्खां नूं चतुरवक्ता पंडित बना सकता है ते पंडतां नूं मूर्ख मुगधारी बना सकता है। ऐसी गुरु की अजमत है, ऐसी गुरु की पहुँच है, ऐसियां बरकतां ने गुरु दे विच। इत्थे उम्र की बात नहीं है, अजमतां नाल भरपूर गुरु नानक की जोत गुरु हरकृष्ण विच सुभायमान है। ब्राह्मण लाल चंद ये बरकत वेख के असमत वेख के गुरु के चरणी डिग पिया। गुरु साहब ये मन के अहंकार नू मिटा दिंदे ने, गुरु का ये सिख बनिया। इउं संगतां नू तार दे हंकारियां दा हंकार दूर करदे, रोगियां दे रोग मिटाउंदे, सोगियां दे सोग मिटाउंदे, पड़ाओ करदे महाराज दिल्ली पहुंचे ने। राजा जय सिंह ने आप जी का उतारा रायसीना विच अपने बंगले विच करवाया, जिथे अजकल गुरद्वारा श्री बंगला साहिब है। महाराज दे दर्शनां नू उत्थे संगतां रोज़ आउंदियां ने। औरंगजेब ने भी दर्शनां दी इच्छा जाहर कीती ते महाराज ने इहदे शहजादे नू इह बचन कहा सी, जो गुरु साहिब नू औरंगजेब दा लखते जिगर दिलबंद मिलन आया सी। महाराज कहिंदे औरंगजेब नू कह दिओ भी साडा वड्डा भाई तुहाडे कोल ही है, तुहाडे नाल सहमत ने राम राय जी, तुहाडे नाल राजसी मसलियां ते गलबात करदे ने, और सानू पिता जी का हुक्म है भी तुसीं सतनाम का उपदेश दे के लोकाई नू वाहगुरू नाल जोड़ना है। असीं ओह कर्म कर रहे हाँ बादशाह, सानू तेरे ताईं कोई लोड़ नहीं, गर्ज नहीं, तैनू मिल के असीं की लैणा है। ऐसे बचन महाराज ने कहे, शहजादे नू आत्मक उपदेश दे के निहाल कीता। और राम राय जी दे गुरता गद्दी ते कीते जा रहे दावे बाबत शहजादे ने गुरु साहब नू बेनती कीती। महाराज उह कहिंदा गुरता दा मैं मालक हाँ। महाराज कहिंदे भाई गुरता गद्दी विरासत जां जद्दी मलकीयत दी शै नहीं है जिस ते पुत्रां दा दावा होवे। वड्डे छोटे पुत्र दी बात तां छड्डो, गुरु नानक दे घर विच सेवा सिमरन हुक्म मनण वाले नू तख्त हासिल हुंदा ए। गुरु नानक साहब ने अपने सपुत्रां दी जगह ते बाबा लहणा जी नू गुरता गद्दी बख्शी। गुरु अंगद साहब ने अपने सपुत्रां दी जगह ते अपने सेवक गुरु अमरदास जी नू गुरता गद्दी बख्शी। गुरु घर विच हुक्म मनण वाला परवान है, पर बाबा राम राय जी ने गुरु के वाक मिट्टी मुसलमान की तो मिट्टी बेईमान की कहा, गुरबाणी नू बदलिया, निरादरी कीती। सो पिता जी ने इन्हां नू त्याग के गुरता गद्दी दी सेवा सानू सौंपी है। बाबा राम राय जी जो इल्जाम लाउंदे ने उन्हां नाल वधीकी होई है, बेइंसाफी होई है, इन्हां दे दावे सब झूठे ने। शहजादे ने जाके औरंगजेब नू दसिया, उसनू यकीन हो गया पे राम राय नाल बेइंसाफी नहीं होई, उह झूठ बोलदे ने। पर फिर भी देखना चाहुंदा सी भी ये छोटी उम्र वाले बालक विच गुरु नानक दे तख्त ते बैठन वाली अजमत समझ करामात है, इसकी परख होनी चाहीदी है। राजा जय सिंह नूं कहा भी इन्हां दी करामाती शक्ति दी परख करो, पता चल जावे भी ये गुरु नानक दे तख्त ते बैठन दे योग भी ने। राजा जय सिंह ने भी ब्योंत घड़ी, महाराज नूं बेनती कीती, मेरे राज महल दे विच प्रशादा छको, परिवार दर्शन करने चाहुंदा है। गुरु साहब दर्शन देण जांदे ने, राजे दियां इस्त्रियां राणियां पटराणी गोलियां सब एक जैसे वस्त्र पा के खलोतियां ने, ते राजे ने बेनती कीती, महाराज इन्हां चों पछाण करो मेरी पटराणी कौन है। बाला प्रीतम जी दे हाथ विच छड़ी है, सोटी है, हर एक वल वेखदे ने, हरेक दे सिर उपर रखदे ने ते कहिंदे ने इह वी पटराणी नहीं, इह वी पटराणी नहीं। चलदे चलदे एक दे सिर ते सोटी रख के कहिंदे राजा इह पटराणी है। राजा हैरान रह गया, चरणां विच डिग पिया, समझ लग गई विण बोलियां सब किस जानदा, इह सब हिरदे दियां जानण वाला है। नाले बाणी दा फुरमान इह वी है, सतगुर नू जेहा को इशदा तेहा फल पाए कोए, जो कुछ भी गुरु पासों मंगीए मिल जांदा है। नानक करता सब किस जानदा, जिद्दू किस गुज्जा ना होए, गुरु तो परमेशर तो कुछ लुकिया नहीं है, वो अंदर दियां बातां नू जानदा है।
चरणा विच डिग पए महाराज दे। गुरु साहब ने फिर उपदेश दिता सी भी गुरु की परख नहीं करी दी, गुरु तो उपदेश लैके जीवन सफला करीदा है। गुर की करनी काहे तावहो, नानक गुरमत साच समावहो, ऐसा उपदेश दिता। कई प्रकार दे नाल परखां कीतियां गईयां। बादशाह औरंगजेब नूं अखीर यकीन हो गया भी उम्र छोटी है पर बजुर्गी विच अंदर दी खेड गुरु नानक साहब वाली है। बाणी दा फुरमान है, सफल मूरत गुरदेव स्वामी सर्ब कला पर पूरे, नानक गुरपार ब्रह्म परमेसर सदा सदा हजूरे। ओ सफल मूरत है, ओ समूह कला दा अजमतां दा करामातां दा मालक है, सर्ब कला पर पूरे। ही गॉट ऑल द पावर्स, हर प्रकार दी करामात है गुरु दे कोल। खैर समा आया, दिल्ली दे शहर अंदर चेचक रोग, बड़ा भयंकर रोग उस समय जिन्हों अजकल स्मॉल पॉक्स कहिंदे हो, ये फैल गया। उस समय ये रोग ला इलाज सी, अजकल चाहे दा इलाज आ गया, उस समय इलाज नहीं सी। दुखां लदी घड़ी विच हजारां लोग मर रहे सन, दुखियारे गुरु साहब के दर्शनों लई उन्हां दे निवास स्थान आउंदे सन। हजूरी सेवादार गुरु साहब का चरणा अमृत इन्हां रोगियों नूं छकाउंदे सन, नाल वाहिगुरु का नाम जपाउंदे सन, ते रोगी ठीक हो रहे सन। बाणी दा फुरमान है, ये वादू दियां साखियां नहीं। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण धोए धोए पीवा, गुरु दे चरणा नूं धो के पी लवां, गुरु दे दर्शना नूं वेख के जूयां करां। होवेगा की कहिंदे, गुर चरणी जाका मन लागै, दुख दर्द भ्रम तां का भागै। जेदा भी गुरु दे चरणा नाल मन लग जांदा है, उहदे मन दे दुख शरीर दे दर्द रोग सोग मिट जांदे ने। ऐसी अजमत है गुरु दे विच। भाई साहब भाई नंद लाल ने भी परशियन दे विच एक बचन कहा है, कहिंदे गुरु हर कृष्ण, गुरु हर कृष्ण आ हमां फजलो जूद, हकश अज हमां खास गां बरस तूद। ऐ गुरु हर कृष्ण, तू मेहरबानी अते कृपा दा पुंज है, रब दे सारे खास लोग साधु सत पुरश तेरी सिफतो सलाह करदे ने रब दे हुकम विच। तू अजमती है, बरकतां देण वाला है। समा आया, गुरु साहब नूं भी ये चेचक दा रोग पंज भूतक शरीर ताई लगा। सिखां ने बेनती की, महाराज रोग सोग दे हरता करता हो, कृपा करके इस अपने रोग की निवृत्ति भी कर लवो। महाराज आखन लगे, अकाल पुरख परमेशर ने लुकाई दे भले हित अपनी अगम्मी जोत नूं गुरु नानक साहब दे सरूप विच टिका के दुनिया ते भेजिया। जिवें बाणी दा फुरमान है, जोत रूप हराप गुरु नानक कहायो। अगम्मी जोत ने साढ़े समेत महाराज कहिंदे अठ जामे अज तक तारे ने। जिन्ना जिन्ना समा जिस जामे नूं गुरु परमेशर अकाल पुरख दा हुक्म सी, इस जामे ने अकाल पुरख दा नाम दुनिया ते लुकाई दे भले हित जपाया है। सो इस अठवें जामे विच जिन्नी साड़ी सेवा लगी सी, जिन्नी गुरु जोत ने सेवा इस जामे राही निभाउणी सी, ओह निभ गई है। हुण पंज भूतक शरीर त्याग के असी नौवां जामा बाबा बकाला विखे जा के धारना है। संगत वैराग विच सी महाराज कहिंदे, पाणे विच रहना है। इस तरह गुरु हरकृष्ण साहब जी ने अखीरले समय राजा जय सिंह दे बंगले विचों आसन चुकवा के जमुना दे कंढे ते डेरा कर लिया। अखीर पंज भूतक शरीर त्याग गए, अगमी जोत गुरु तेग बहादुर साहिब अंदर टिका दित्ती। बाणी दा फुरमान है, जोत ओह जुगत साई सह काया, फेर पलटी है काया ही बदली है। जोत ओही सी जो गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह विच टिक गई, जो पहले अठ जामिया विच टिकी सी। महाराज दीन दुनिया दे मालक चेत्र सुदी चौदस 1721 बिक्रमी भाव 6 अप्रैल 1664 ईस्वी नूं दिल्ली जमुना नदी दे किनारे पंज भूतक शरीर त्याग गए, जिथे अजकल गुरद्वारा बाला साहिब बनिया है। तकरीबन 7 साल ते 8 महीने दी उन्हां दी उम्र सी। 2 साल ते 5 महीने उन्हां ने गुरियाई कीती है। इस तरह सिखा बाला प्रीतम जी दूसरियां दे दुख अपने ते लै के मनुखता नूं सुख प्रदान करके रब्बी भाणे नूं खिड़े मथे प्रवान करदे हुए सचखंड चले गए। और यही कहा, जो तिस भावै नानका हुक्म सोई परवानों,
जो भी परमात्मा का हुक्म है उदे विच चलना चाहिदा है। गुरु महाराज दी लोकाई नू महान देण है, रोगां सोगां दे हरता सन ऐसे गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह बाला प्रीतम जी उन्हां दे चरणां विच सिजदा है, उन्हां दे अगे सिर चुकदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चंडी दी वार विच उन्हां दी वडियाई विच इक बचन लिखिया, कहिंदे श्री हरकृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए। गुरु हर कृष्ण विच ऐसी अजमत है, उहदी नदर भी तुहाडे ते पै गई, उहदे दर्शन तुसीं कर ले, हर प्रकार दे शरीर दे रोग ते मन दे सोग मिट जांदे ने। जिवें बाणी दा फरमान है, कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो, दुखां नूं बिदारन वाले गुरु हर कृष्ण ने, उहनां दे चरणां नाल जुड़िए, जीवन सफला करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।